फ्रेंड्स, माय सेल्फ सुधीर कुमार वानखेड़े और आज हम माहूरगढ़ को जाने वाले हैं। ये देखिए, जहाँ पे कोहरा दिखाई दे रहा है ये माहूरगढ़ है। तो आज हम इस माहूरगढ़ की पूरी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए निकलते हैं माहूरगढ़ की तरफ। माहूरगढ़ को उसे ही हम रामगढ़ भी कहते हैं। तो ये माहूरगढ़ जो है बहुत ही प्राचीन किला माना जाता है। देखिए यहाँ से उस रामगढ़ का लुक। एट अर्ली मॉर्निंग के लिए प्रिय सूर्योदय देखिए, कितना बेहतरीन सूर्योदय है। अभी यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ता है। अभी जो है बारिश का मौसम है फिलहाल, तो जल्दी से ऊपर जाके आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मौसम जो है बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग में अभी दो रास्ते हैं यहाँ पे। एक पहला रास्ता जो है एकदम फ्रंट में है और उस रास्ते से तो हमने ट्रैकिंग कर चुके हैं हम, क्योंकि इस तरफ मैं नहीं आया था जहाँ पे हत्ती दरवाज़ा वगैरह है। तो उस साइड अभी हम जा रहे हैं, उस साइड की ट्रैकिंग करने वाले हैं और जाएंगे हम, और बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रैकिंग का मज़ा लेंगे इस वीडियो में, क्योंकि हमारा जो है पहला वीडियो माहूरगढ़ का अच्छे से वायरल हुआ था। उस वीडियो में मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, उसके लिए उन सभी को थैंक्स कहना चाहूँगा। और जो चीज़ें मेरी कम्प्लीट नहीं हुई थी इस किले की, तो इस वीडियो में मैं पूरी तरह से वो कंप्लीट करूंगा और इस किले का शूट जो है पूरी तरह से लेने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एक ऐसा बोर्ड है यहाँ पे, कुछ डियर वगैरह दिखाई देते हैं, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है। तो अच्छी बात होगी अगर हमें अगर दिखाई देंगे। ये किला जो है तालुका माहूर में आता है, जो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में है। नांदेड़ से लगभग 130 किलोमीटर माहूर शहर आता है और ये किला ये महाराष्ट्र में ही स्थित है। बहुत ही प्राचीन किला है। इस किले के साइड में जो है माता रेणुका देवी का पावन स्थान है, जो 3.5 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। अभी जो है पूरी तरह से बारिश का मौसम है, देखिए कैसी हवा चल रही है और बारिश भी है। तो अभी जो है पूरी तरह से बारिश का मौसम है, तो फिर भी हम किले पे आ गए हैं। इस किले को जो है यादवों ने निर्माण किया, और कुछ इतिहासकार ऐसे बताते हैं कि ये किला जो है यादवों से भी पहले बनाया गया है, ऐसा माना जाता है। और इस किले पे सबसे पहले जो है यादवों का ही राज था, उसके बाद 1358 में मोहम्मद शाह बहामनी ने जो है इस किले पे राज किया था, उनका राज था इस किले पे। देखिए यहाँ से कैसा व्यू है, देखिए पूरी तरह से बारिश का मौसम है। किस तरह से मौसम है देखिए, यहाँ से नीचे अगर हम देखते हैं ऐसा मौसम दिखाई देता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा जो है हवा चल रही है। और इस किले के इतिहास के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो 1398 में जो है इस किले को देखो गोंड राजा ने जीत लिया था, फिर से उनका आधिपत्य इस किले पर आ गया। उसके बाद 1428 को फिर से मोहम्मद शाह बहामनी ने इस किले को जीत लिया। उसके बाद 1617 में मुग़ल एम्पायर शाहजहां ने फिर से इस किले को जीत लिया। तो ये जीत हार का सफ़र जो है इस किले पर चलता ही रहा। किले पर जाते वक्त ऐसा व्यू है, एक तालाब है इस जगह पे। फिर से इस किले को 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इस किले को जीत लिया। फिर से ये किला जो 19 साल के लिए मराठा एम्पायर के पास रहा। फिर से इस किले को मुग़ल एम्पायर ने 1689 को फिर से जीत लिया मराठा एम्पायर से। और फिर से मुग़ल एम्पायर से इस किले को निज़ामशाही ने 1724 को इस किले को फिर से जीत लिया। और यहाँ से जो है किला भारत स्वतंत्र होने तक निज़ाम शाही के पास ही ये किला रहा है, ऐसा बहुत ही डीप इतिहास है इस किले का। देखिए पूरी तरह से यहाँ पे स्टेप्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ से देखिए रास्ता कैसे है, यहाँ पे देखिए अभी बहुत घना जंगल है और बारिश का मौसम है। देखिए कैसे स्टेप्स है, वैसे रास्ता तो बहुत अच्छा है इस किले के ऊपर जाने का, क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स बनाए हुए हमें दिखाई देती है। देखिए बहुत ही ज़्यादा जो है ऊपर आ चुके हैं हम। यहाँ से मैं नीचे का व्यू दिखाऊंगा आपको। अरे पूरी तरह से बारिश का ये है, देखिए देखिए रास्ता किस तरह से है ये किले के ऊपर जाने का।
स्टेप्स जो है, देखिए किस तरह से रास्ता है। अभी यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। जंगल जो है बहुत घना हो चुका है, जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं हम, जंगल बहुत ज़्यादा घना दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से ऐसा व्यू है, इस तरफ ऐसा कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है। देखिए और ये किले के ऊपर कितने अच्छे तरीके से ये पेड़ आ गया, देखिए बहुत ही बड़ा पेड़ है ये किले के दीवार पर, किले के बिल्कुल सामने आ गए। देखिए किस तरह से किले के स्टार्टिंग में व्यू है, और ये देखिए किले का व्यू, किले का स्टार्टिंग का व्यू जो है इस तरह से, देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू है ऊपर आने के बाद। ये कंस्ट्रक्शन देखिए इस तरह से है, और इस साइड में भी कुछ कंस्ट्रक्शन है। देखिए ये सुरक्षा हेतु इस दीवारों को जो है बनाया गया है। यहाँ पे जो है इस तरह से व्यू है, देखिए अभी यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो जंगल है, कुछ शेर वगैरह ना हो इसलिए थोड़ा सा संभल के जाना पड़ता है। इस तरह से व्यू है यहाँ पे, तो देखिए अभी पता नहीं ये किस लिए कंस्ट्रक्शन बनाए हैं, अभी यहाँ पे कुछ नाम भी नहीं है तो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि ये क्या है। देखिए तो अभी वहाँ तो हम जा चुके हैं, तो यहाँ पे ऐसे इस तरह से कंस्ट्रक्शन है, अभी पता नहीं है यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पे इस तरह से कंस्ट्रक्शन है, पूरी तरह से कूड़ा भरा हुआ है इस जगह पे। तो यहाँ तो चलिए किले के ऊपर चलते हैं, किले के ऊपर ऐसे रास्ते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसा रास्ता है और यहाँ से हमें ऐसे ऊपर जाना पड़ता है, और इस तरफ से अगर देखते हैं तो देखिए कितनी बड़ी खाई है, देखिए नीचे कितना है, तो बहुत बड़ी खाई है ये। और ऊपर आते हैं तो किले के ऊपर आने के बाद देखिए इस तरह से व्यू है, देखिए यहाँ पे जो भगवा है लहरा रहा है, और इसके ऊपर जाते हैं हम तो इस साइड में इस तरह से कंस्ट्रक्शन है। देख इस साइड में कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है, देखिए और यहाँ से हाथी दरवाज़ा भी है जो मैं आपको अभी शॉर्टली नीचे जाके बताऊंगा, लेकिन अभी दूर से देखिए किस तरह से दिखाई देता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक इस तरह से कंस्ट्रक्शन है, देखिए मैं आपको सामने से दिखाऊंगा, सामने से देखिए, और यहाँ पे इस तरह से कंस्ट्रक्शन है। देखिए यहाँ पे अभी शायद कुछ मीटिंग वगैरह करने के लिए ये होगी जगह, या फिर ये नहाने का टब होगा, ये रानी योग नहाने के लिए ये जगह हो सकती है शायद, तो ये इस तरह से जगह। अभी यहाँ पे जो है किले के ऊपर से देखिए कुछ ऐसी खिड़कियाँ है, तो सामने अगर हम जाते हैं तो चलिए यहाँ से ऐसे व्यू दिखाई देता है। देखिए यहाँ जो है अभी कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, और मैंने जब उस साइड से आपको व्यू दिखाया था वहाँ से दिखा नहीं वो अच्छे तरीके से, तो मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। देखिए यहाँ से किला इस तरह से दिखाई देता है, देखिए वो जो हत्ती दरवाज़ा है कैसे दिखाई देता है ऊपर से, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। इस साइड अगर हम आते हैं तो देखिए किस तरह से भी है, एक ऐसी दीवार है एक साइड में, और उस दीवार में जैसे एक पेड़, देखिए हाँ आपको ये दिखाने के लिए मैं आया हूँ इस साइड में, देखिए किस तरह से गड़ा है, बहुत ही ज़बरदस्त पेड़ दिखाई देता है ये। और यहाँ से ऐसे व्यू है इस किले का, देखिए ये जो दीवार है ये तटबंदी के लिए बनाई हुई है इस किले के, सुरक्षा हेतु। जैसे ही हम किले के ऊपर आते हैं, वाओ नेचर का एक बेहतरीन अनुभव,
अभी हम जो है भागदौड़ की लाइफ में हम हमेशा काम में बिजी रहते हैं, लेकिन अगर हम काम में बिजी भी रहने के बाद ऐसा अगर एकांत बार भी हम नज़ारा देखते हैं तो दिल को एक सुकून सा मिल जाता है। देखिए नेचर का कितना बेहतरीन नज़ारा दिखाई देता है इस जगह से। अभी हम इस तरफ जाएंगे तो चलिए वहाँ पे जाते हैं। अभी यहाँ पे देखिए इस तरह से कंस्ट्रक्शन है, अभी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। अभी ऊपर जो है एक रानी महल और कुछ है ऐसा कहा था लोगों ने, तो अभी जो है इस तरफ कंस्ट्रक्शन अगर हम देखते हैं तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। अब सामने हम चलते हैं, कंस्ट्रक्शन हमें निज़ामों ने किया है ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि मुग़लों का कंस्ट्रक्शन इस तरह से रहता है हमें पता है। देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं तो यहाँ पे पीछे देखिए यहाँ पे ऐसे बड़ा सा गेट दिखाई देता है, इस गेट को हम हाथी दरवाज़ा कहते हैं। सामने देखिए मैं आपको हाथी दरवाज़ा दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हाथी दरवाजे का व्यू जो है इस तरह से है। देखिए तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कंस्ट्रक्शन है, अभी रास्ते जो है यहाँ पे बिल्कुल नहीं है और सुनसान जगह है। देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, फिर भी हम देखेंगे यहाँ की जगह। यहाँ पे देखिए कितने जो है ऐसा, यहाँ पे देखिए कैसा ये हो गया है, बारिश की वजह से यहाँ पे पेड़ पौधे पूरी तरह से ये हो गए। तो रिस्की लगता है इस जगह पे। देखिए यहाँ पे एक गेट है, यहाँ पे इस तरह से गेट है, शायद ये इस तरफ से आने के लिए बनाया होगा। यहाँ पे देखिए इस तरफ ऐसा रास्ता है, तो यहाँ से आने के लिए ये गेट बनाया होगा। तो चलिए ऊपर चलते हैं, अभी आपको रानी महल भी दिखाना है तो चलिए उस तरफ जाएंगे हम। अभी ये गेट एक बार फिर से हम हाथी दरवाजे का व्यू लेंगे, एकदम साइड से बहुत ही बढ़िया जो है नज़ारा दिखाई देता है हाथी दरवाजे का। देखिए नीचे से ऊपर तक वहाँ पे ऊपर भगवा लहरा रहा है हाथी दरवाजे के ऊपर, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। किले के हाइट के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये 2650 फीट हाइट है इस किले की। कुछ दूरी तक यहाँ पे चलने के बाद यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है ऐसा, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है आगे। और यहाँ पे देखिए पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है आगे। अभी आगे का माहौल जो है कुछ इस तरह से, देखिए सुरक्षा का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा था इस किले को बनाते वक्त। 37 जो है यहाँ पे बुरुज है किले की सुरक्षा हेतु। तो यहाँ पे देखिए कैसी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं। अब यहाँ से एकदम एंड हो गया, अब यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा। हर जगह पे स्टेप्स बनाई है। तो यहाँ पे चलते चलते हम इस जगह पे आ गए हैं। यहाँ पे ऐसा एक कंस्ट्रक्शन है जिसे कहते हैं कि रानी महल। तो इस रानी महल को हम अंदर जाके देखें। जो सामने आप देख रहे हो ये है रानी महल, ये बहुत ही हिस्टोरिकल महल है ऐसा कहा जाता है, बहुत ही बढ़िया महल है। यहाँ पर देखिए ये रानी महल है, यहाँ का कंस्ट्रक्शन देखिए कितना पुराना महल हो के आज के यहाँ पे जो है उस महल की दीवारें खड़ी है। एक्चुअली थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन जो है थोड़ा सा ये जो ख़राब हो चुका है, लेकिन बहुत सी ऐसी दीवारें हैं जो अभी भी खड़ी है उस जगह पे। तो चलिए मैं अंदर आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ देखिए इस तरह से कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन है, अभी पता नहीं ये क्या है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे स्तंभ बनाए गए हैं यहाँ पे देखिए, और इस साइड में भी कुछ इस तरह से व्यू है। तो देखिए किले का व्यू इस तरह से, वहाँ पे एक भगवा लहरा रहा है। अभी हम ऊपर जाएंगे उस साइड जहाँ पे झंडा है, तो यहाँ से जाना पड़ता है देखिए। तो चलिए, और इस साइड में तो हमने पहले ही देखा ये रानी महल जो अभी पूरी तरह से खंडर हो चुका है। तो इस साइड में देखिए ये किले की सुरक्षा हेतु इस जगह को बना गया है। तो यहाँ से जो है किले के ऊपर का व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ से इस तरह से व्यू है, वहाँ पे
पे है वो पानी का स्टोरेज दिखाई दे रहा है उस तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते करण। देखिए यहाँ पे इस ब्रिज पे हम आ गए हैं और इससे आगे हम जल्दी जाने वाले हैं क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। अभी किले पे जो है ज़्यादा वक्त नहीं रह सकते हम, तो अभी जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कितना रास्ता जो है हार्ड है। अभी यहाँ से उस तरफ उड़ी मारनी पड़ती है। अभी देखिए कितनी गहरा है। ओह शिट। तो किले के उस बाजू से हम इस तरफ आ चुके हैं। अभी यहाँ का व्यू देखिए किस तरह से रहती है। अभी यहाँ से हम इधर जाना है। देखिए यहाँ पर ऐसा व्यू है। यहाँ नीचे जो है महाकाली देवी का मंदिर है जो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद। तो चलिए ऊपर चलते हैं किले के मेन व्यू पे। एक्चुअली ये व्यूज़ जो है मैंने पहले वीडियो में भी दिखाया है, लेकिन फिर से दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे किले का व्यू ऐसा दिखाई देता है। और यहाँ पे देखिए वो वहाँ की तटबंदी जो है किले की, वो सब हमने देख ली है अभी। तो किले के इस बाजू में यहाँ पे महाकाली देवी का मंदिर है। ये महाकाली देवी की मूर्ति है। ये बहुत ही जागृत मूर्ति है। बहुत से लोग जो है यहाँ पे आते हैं, भक्तों की मनोकामनाएं इस जगह पे पूरी होती है ऐसी कहावतें हैं। और यहाँ पे प्रसाद होता है, शायद मन्नतें वगैरह जब लोग करते हैं तो ये जो पत्थर का जो भांडा है इसमें वो उसको स्टोर करते होंगे प्रसाद को। तो यहाँ पे साइड में देखिए इस तरह से व्यू है महाकाली देवी के मंदिर के बाहर का। तो बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ पे। और इस साइड में देखिए ये है महाकाली देवी का मंदिर, ये जो फ्रंट में है। देखिए यहाँ पे नाम दिखाई देता है, ये है। इस किले को जो है दो रास्ते हैं एक्चुअली। तो ये रास्ते से भी हम आ सकते हैं और उस रास्ते से भी। आज जो है हमने ट्रैकिंग के लिए उस रास्ते को चुना। अब इस रास्ते पे जो है अभी हम आ गए हैं। मुझे इस साइड से ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर ये रामगढ़ किले का वीडियो एंड होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे एस कुमार व्लॉग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, राम राम।